मुंबई के कई इलाके ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। ट्रैफिक जाम के लिए प्रमुख रूप से अतिक्रमण जिम्मेदार होता है। सायन स्टेशन संत रोहिदास मार्ग से टी जंक्शन तक बांद्रा की ओर से आने वाले और सायन से बांद्रा की ओर जाने वाले वाहनों को फेरी वालों के अवैध अतिक्रमण की जाम का समस्या से जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है। सायन स्टेशन से बांद्रा टी जंक्शन का मार्ग संत रोहिदास मार्ग के नाम से जाना जाता है। यही सायन स्टेशन से धारावी जाने के पहले ट्रैफिक पुलिस का चौकी भी है। इसके बावजूद संत रोहिदास मार्ग के फुटपाथ पर फेरी वालों ने कब्जा जमा रखा है। फुटपाथ पर धंधा लगाते लगाते ये फेरी वाले सड़क पर भी जम जाते हैं। जनता का पैदल चलना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा 90 फीट रोड के किनारे से ONGC इमारत तक ड्रेनेज का काम भी शुरू किया गया है, लेकिन फेरी वालों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या जानलेवा बन गई है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई।